हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए नेक्स्ट लेक्चर है, ये इस वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि क्यों हम क्रैक सेक्शन का डिजाइन करते हैं। हम आरसीसी की डिजाइन में दो तरह के मेथड काम लेते हैं जनरली, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा लिमिट स्टेट मेथड। दोनों मेथड में हम क्यों क्रैक सेक्शन डिजाइन करते हैं वो हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ मैं अलग अलग जो डिजाइन मेथड है उन डिजाइन मेथड के इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम एक एक मेथड से डिटेल में डिजाइन पढ़ेंगे कि किन किन मेंबर्स की डिजाइन की जाती है। तो जो डिजाइन मेथड्स हैं आरसीसी के सेक्शन के, डिजाइन मेथड्स देखिए, डिजाइन मेथड वैसे जो सिलेबस में हमारे वो दो तरह के मेथड होते हैं, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, दूसरा है एक अल्टीमेट लोड मेथड, जिससे डिजाइन नहीं करते हैं हम। अल्टीमेट लोड मेथड, और तीसरा है लिमिट स्टेट मेथड। हम डिजाइन करते थे पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, आजकल डिजाइन की जाती है पूरी के पूरी लिमिट स्टेट मेथड से, सिर्फ तीन चीजों को छोड़ के, वाटर टैंक, ब्रिज और चिमनी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑब्सोलेट हो चुका है, आजकल काम में नहीं आता है जनरली, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ईएससी गेट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वर्किंग स्ट्रेस से, एसएससी जेई वगैरह या फिर जो स्टेट के एग्जाम होते हैं वहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ईएससी में तो कंप्लीटली क्वेश्चन लिमिट स्टेट मेथड से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड काम में नहीं आता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, अल्टीमेट लोड मेथड है, लिमिट स्टेट मेथड है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को WSM कहते हैं, लिमिट स्टेट मेथड को LSM कहते हैं। ठीक है, अब एक एक की बात करते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या है, लिमिट स्टेट मेथड में क्या है और अल्टीमेट लोड मेथड में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में दो अजम्पशन थे, मेन अजम्पशन की बात कर रहा हूं मैं। पहला तो यह है कि स्ट्रेस इन बोथ द मटेरियल्स, बोथ मटेरियल कौन कौन से हैं तुम्हारे पास, कॉन्क्रीट एंड स्टील। स्टील स्ट्रेस इन बोथ द मटेरियल्स शुड नॉट एक्सीड परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू, राइट। दूसरा जंक्शन है बोथ द मटेरियल्स बिहेव इन लीनियरली इलास्टिक मैनर। अब इनका मतलब समझते हैं क्या क्या है। पहले वाले अजम्पशन का मतलब कि जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास है कोई कंक्रीट का सेक्शन है, आरसीसी का सेक्शन है, एक्चुअली ये कोई आरसीसी का सेक्शन है, ये इसमें रेनफोर्समेंट लगा रखा है। जब इस सेक्शन के ऊपर लोड आएगा तो लोड आने पे यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पैदा होंगी, यहां पे टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा होंगी। एक अजम्पशन क्या था, वो दोनों में है, लिमिट स्टेट मेथड में भी है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी है। और वो अजम्पशन क्या है कि जो कंक्रीट है वो कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लेगा, पूरे का पूरा टेंसाइल स्ट्रेस कौन लेगा, वो स्टील लेगा। ऑल, इसको मैं ए करके लिख देता हूं, ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर
resisted by are resisted by steel only, steel only, right? तो जब लोड लगेगा तो लोड लगने से कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे, कुछ टेंसाइल स्ट्रेस आएगी. कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी कंक्रीट में, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी कंक्रीट में, और टेंसाइल स्ट्रेस आएगी स्टील में. टेंसाइल स्ट्रेस आएगी स्टील. अब इस लोड की वजह से जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस आई, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट के परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये जो टेंसाइल स्ट्रेस आया स्टील में वो स्टील की परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब देखेंगे भी परमिसिबल स्ट्रेस क्या है. अब उस परमिसिबल स्ट्रेस पे फेल होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है. अगर तुमसे किसी ने कह दिया कि साहब इस सेक्शन पे कंक्रीट में 10 से ज्यादा स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए और स्टील पे भी 10 से ज्यादा स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए, सपोज आपसे क्या कह दिया कि कंक्रीट में 10 एमपीए से ज्यादा स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए, चलो स्टील को 50 कर देते हैं, और स्टील पे 50 एमपीए से ज्यादा स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन कि इससे ज्यादा स्ट्रेस का वैल्यू अलाउ नहीं है. अब अगर 10 से ज्यादा स्ट्रेस आ गया, मान लीजिए कंक्रीट पे स्ट्रेस 11 आ गया और स्टील पे स्ट्रेस 51 आ गया, तो इस 11 और 51 पे क्या होगा वो हमको पता नहीं है. 11 अगर स्ट्रेस आ गया कंक्रीट पे तो कंक्रीट फेल होगा या नहीं होगा उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है. सिर्फ हमने ये बोल दिया कि इस कंक्रीट के ऊपर 10 से ज्यादा स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए और इस स्टील के ऊपर 50 से ज्यादा स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए. क्लियर है, सिर्फ इतना बात किया. तो ये हमेशा किसकी बात करता है, ये हमेशा वर्किंग स्ट्रेस की बात करता है. जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो हमेशा वर्किंग स्ट्रेस की बात करता है या वर्किंग कंडीशन की बात करता है, या वर्किंग कंडीशन की बात करता है. क्योंकि किस स्ट्रेस पे जाके फेल होगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये नहीं बताया गया कि आप अगर कंक्रीट में स्ट्रेस बढ़ा के यहां तक ले जाओगे तो इस स्ट्रेस पे फेल हो जाएगा. इस 10 से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10 से स्ट्रेस एक्सीड हो गया तो सेक्शन फेल हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है. इनको नहीं पता है इस चीज का कि कंक्रीट और स्टील फेल कब करेगा, कितने स्ट्रेस पे कंक्रीट फेल हो जाएगा, कितने स्ट्रेस पे स्टील फेल हो जाएगा, या कितने लोड की वैल्यू पे मेंबर फेल हो जाएगा. इन्होंने सिर्फ रिकमेंड किया कि ये जो परमिसिबल स्ट्रेस हम बता रहे हैं इससे ज्यादा स्ट्रेस अलाउ नहीं होगा. जैसे सपोज करिए तुम किसी आंटी की स्कूटी लेके मार्केट चले गए, अब आंटी ने कह दिया कि बेटा इस स्कूटी पे 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे. अब आंटी को नहीं पता है कि अगर 2 से ज्यादा बैठ गए तो क्या होगा, अगर 3 आदमी बैठ गए स्कूटी पे तो क्या होगा, क्या वो पंचर हो जाएगी या और कोई बात हो जाएगा. लेकिन उसने सिर्फ आपको कह दिया है कि इस पे 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे. क्लियर है, तो 2 से ज्यादा पे क्या होगा वो नहीं बताया उसको. इसी तरह से वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी क्या है कि जो परमिसिबल स्ट्रेसेस डिफाइंड है उन परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए. क्लियर है, ठीक है. दूसरा जो अजम्पशन है वो क्या कहता है, बोथ द मटेरियल बिहेव इन इलास्टिक मैनर, लीनियरली इलास्टिक मैनर. लीनियर इलास्टिक मैनर का मतलब होता है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर, वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर है. हमको पता है, हमने कल स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था और कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पहले देख चुके हैं. तो अगर मान लीजिए स्टील का कोई भी पार्ट ले लो, तुम Fe415 ले लिया, मान लीजिए Fe415 का कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा होगा और कंक्रीट का भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, लगभग इस तरीके का होता है. अब दूसरे एजम्पशन के हिसाब से क्या होगा, ये दोनों मटेरियल लीनियरली इलास्टिक हैं, तो लीनियरली इलास्टिक मैनर के लिए या लीनियरली इलास्टिक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से होना चाहिए. दोनों मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर नहीं है. इसका मतलब ये हुआ उन्होंने दोनों मटेरियल की स्ट्रेंथ को वहां तक कंसिडर किया जहां तक ये दोनों कर्व लीनियर होते हैं, जहां तक ये दोनों कर्व लीनियर होते हैं. तो कंक्रीट भी कुछ पोर्शन तक लीनियर रहता है और स्टील भी कुछ पोर्शन तक लीनियर रहता है, स्ट्रेस सस्टेन कर्व की बात कर रहे हैं. तो उन्होंने स्टील को भी सिर्फ यहां तक यूटिलाइज किया और कंक्रीट को भी सिर्फ यहां तक ही यूटिलाइज किया. मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ को यहां तक ही माना, सिर्फ किससे ज्यादा कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं होती है. मतलब आपको जो काम में लेना है
वो इतने स्ट्रेंथ पे काम करना है। और स्टील के बारे में भी ये बात कही कि स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ यहां तक ही कंसिडर करना है। कुल मिला के उन्होंने जो दोनों मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हैं उनको जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का लीनियर पोर्शन है उस लीनियर पोर्शन तक ही कंसिडर किया सिर्फ। तो दोनों अजम्पशन समझ में आ गए क्या है? दोनों अजम्पशन समझ में आ गए होंगे। अब पहले वाले अजम्पशन पे वापस चलते हैं। पहले वाले अजम्पशन में उन्होंने कहा था कि परमिसिबल स्ट्रेस को एक्सीड नहीं करना चाहिए स्ट्रेस वैल्यू। तो जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर? अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड वालों ने क्या किया, अलग अलग मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया उन्होंने। कॉन्क्रीट के लिए अलग ले लिया और स्टील के लिए अलग ले लिया। अब ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉन्क्रीट के लिए तो ले लिया 3 और स्टील के लिए ले लिया 1.8। फैक्टर ऑफ सेफ्टी याद रखना। ये पूछे जाते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कॉन्क्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 3 और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 1.8। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट मेथड में भी आएंगे। अब उनके फैक्टर ऑफ सेफ्टी में और इनमें क्या फर्क है वो मैं जब लिमिट स्टेट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया 3 और 1.8। तो अगर परमिसिबल स्ट्रेस कॉन्क्रीट की देखें, अगर परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इसको कह दिया सिग्मा सीबीसी, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग, बी का मतलब बेंडिंग। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ कितना होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। चलो ठीक है, कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ कितना स्पेसिफाई करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है कॉन्क्रीट का 3। तो सिग्मा सीबीसी का वैल्यू कितना आ गया 0.33 FCK। मतलब कॉन्क्रीट पे 0.33 FCK से ज्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। इससे ज्यादा स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा हमको नहीं पता है। जैसे मान लीजिए तुमने M30 कॉन्क्रीट काम में लिया, तो M30 कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ कितना होता है, FCK कितना होता है 30 MPa। तो इस कॉन्क्रीट पे कितना स्ट्रेस आना चाहिए मैक्सिमम 0.33 × 30, तो 10 MPa से ज्यादा का स्ट्रेस अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। इसको लिखते हैं सिग्मा ST से, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन इज इक्वल टू, स्टील का स्ट्रेंथ होता है FY होता है स्टील की यील्ड स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का 1.8। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सिग्मा ST आता है लगभग 0.55 FY। अगर आप मान लीजिए Fe 415 काम में ले रहे हैं, Fe 415 ग्रेड के स्टील का यील्ड स्ट्रेस कितना है 415 MPa, तो इस स्टील पे मैक्सिमम कितना स्ट्रेस आना चाहिए 0.55 × 415, मतलब 230 के आसपास कुछ। ये परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं। तो इनसे ज्यादा स्ट्रेस कॉन्क्रीट में 0.33 FCK और स्टील में 0.55 FY, इससे ज्यादा का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से। ठीक है, ये है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब इसे डिजाइन कैसे करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये इन्होंने कभी भी नहीं बताया कि किस लोड पे मेंबर फेल हो जाएगा या किस लोड पे कोई भी मटेरियल फेल हो जाएगा। और जिस लोड पे मटेरियल फेल होता है उस लोड को बोलते हैं हम अल्टीमेट लोड। उस लोड को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट लोड। तो अल्टीमेट लोड के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी, फेलियर लोड के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी, क्रिटिकल लोड के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। इस मेंबर पे जैसे मान लीजिए कॉन्क्रीट का बीम है, कॉन्क्रीट के बीम पे अलग अलग तरह के कितने लोड लग सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इस बारे में भी कोई बात नहीं करता। जिस लोड की बात करता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड वो सिर्फ वर्किंग कंडीशन की बात करता है कि वर्किंग कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, और वर्किंग कंडीशन में स्ट्रेस का वैल्यू इनको एक्सीड नहीं करना चाहिए
मतलब वर्किंग स्ट्रेस शुड नॉट बी मोर देन परमिसिबल स्ट्रेस इन बोथ द मटेरियल्स, राइट। और इन स्ट्रेसेस को डिजाइन स्ट्रेस भी कहते हैं। तो डिजाइन स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट 0.33 FCK एंड डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील 0.55 FY, राइट। ये बात हुई वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन कैसे करते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे सेपरेटली, जब हम डिजाइन प्रोसीजर पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक देखते हैं क्या क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ड्रॉबैक क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ड्रॉबैक क्या है। देखिए, एक तो दोनों मटेरियल लीनियरली इलास्टिक नहीं होते हैं, पहला। बोथ मटेरियल्स आर नॉट लीनियरली इलास्टिक। दूसरा जब ड्रॉबैक क्या है कि परमिसिबल स्ट्रेस में मटेरियल को रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय के साथ श्रिंकेज होगा, क्रीप होगा, इनकी वजह से स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ सकती है। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कीप द मटेरियल अंडर परमिसिबल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ श्रिंकेज, क्रीप एटसेट्रा एंड ड्यू टू स्ट्रेस कंसेंट्रेशन ऑल्सो, क्योंकि स्ट्रेस कंसेंट्रेशन भी हो सकता है जहां पे भी अनहोमोजेनिटी होगी, ड्यू टू स्ट्रेस कंसेंट्रेशन। मतलब प्रैक्टिकली उसको परमिसिबल लिमिट के अंदर अंदर रखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस होगा, श्रिंकेज की वजह से स्ट्रेस आ सकता है, क्रीप की वजह से स्ट्रेस आ सकता है और स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकता है। इसके अलावा तीसरा ड्रॉबैक इनका यह है कि जो एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, ये एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। दिस इज एक्चुअल मार्जिन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड अल्टीमेट लोड के बारे में बात ही नहीं करता। तो तुमने वर्किंग ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया कहां से, इसके बारे में कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, इसके बारे में कोई भी प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना गलत नहीं है, लेकिन इनके फैक्टर ऑफ सेफ्टी के पीछे का जो लॉजिक है, उस लॉजिक के पीछे किसी भी तरीके का कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, ये इसके ड्रॉबैक है, क्लियर। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड है अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड से हम डिजाइन नहीं करते, ना ही हमारे सिलेबस में है। यहां से सिर्फ हमसे एक चीज पूछनी जाती है कि लोड फैक्टर क्या होता है। तो इन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, लोड फैक्टर, और लोड फैक्टर को बता दिया अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। मतलब इन्होंने वहां तक की कंडीशन को कंसिडर कर लिया जिस कंडीशन पे सेक्शन फेल होता है। मतलब अल्टीमेट लोड के बारे में इन्होंने बात की। अल्टीमेट लोड वो लोड होता है जहां पे सेक्शन फेल हो जाए, जहां पे मेंबर फेल हो जाए। सिर्फ यहां इसके बारे में इतना ही याद रखना है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं होता और हम इससे डिजाइन भी नहीं करते। तीसरा जो मेथड है डिजाइन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिमिट स्टेट मेथड।
लिमिट स्टेट मेथड, ये लगभग 1970 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखिए होता क्या है, जब हम किसी भी मटेरियल या किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, किसी भी मटेरियल या किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बीम है, सपोज ये कोई बीम हो, ठीक है। अब इस बीम में अलग अलग मटेरियल होंगे, अगर मोटे मोटे दो मटेरियल की बात करें तो इसमें कॉन्क्रीट है और स्टील है, इसमें कॉन्क्रीट है और स्टील है। अब इस बीम में देखिए क्या क्या हो सकता है, और इस बीम के ऊपर जैसे मान लीजिए लोड लग रहा है, इस बीम में लोड लग रहा है, ये बीम आपने सपोज कीजिए कि 100 किलो न्यूटन लोड के लिए डिजाइन किया, मान लेते हैं 100 किलो न्यूटन लोड के लिए डिजाइन किया, ठीक है। अब यहां पे अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, तो अनसर्टेनिटीज किस किस की हो सकती है, लोडिंग की अनसर्टेनिटी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपने जब 100 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन किया और कल को अगर किसी भी कारण से 110 का लोड लगा तो क्या करोगे आप, 100 किलो न्यूटन के लिए तुमने बीम डिजाइन किया और अगर इस पे 110 किलो न्यूटन 105 किलो न्यूटन का लोड लग गया किसी भी रीजन से तब क्या करोगे, क्लियर है। जैसे कोई लड़की की शादी कर रहे हैं मान लो अपन, तो लड़की की शादी में तुमसे लड़के वाले ने कहा कि साहब हमारी तरफ से 100 आदमी बारात में आएंगे और आपने एग्जैक्ट 100 आदमियों को खाना बनवाया है, 101 की भी जगह नहीं है, सपोज करिए कि वहां पे 10 आदमी फालतू आ गए तब क्या करोगे, तो बारात को ये कहकर थोड़ी बगाया जाता है कि आप 10 आदमी फालतू ले आए अब हम इनको खाना खिला के नहीं भेजेंगे, तो थोड़ा बहुत मार्जिन हमको रखना पड़ता है। उसी तरह से ये मार्जिन भी लोड का रखना पड़ेगा, कैसे रखना पड़ेगा वो बाद में बात करेंगे। तो अनसर्टेनिटी हो सकती है लोड की, अनसर्टेनिटी हो सकती है मटेरियल की, अनसर्टेनिटी हो सकती है मटेरियल की। मटेरियल की अनसर्टेनिटी का मतलब है जो मटेरियल आपने काम में लिया वो अप टू द मार्क नहीं हो, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता हो पूरे को, या फिर अनसर्टेनिटी हो सकती है डायमेंशन की, या फिर अनसर्टेनिटी हो सकती है डायमेंशन की। हो सकता है 3 मीटर की बीम बनाई आपने 3000 mm, तो ये 3000 mm कंप्लीट ना हो, 2098 mm हो या 3003 mm हो, क्रीप संकेच का इफेक्ट भी इसमें हो सकता है। तो लोडिंग की अनसर्टेनिटी हो सकती है, मटेरियल की अनसर्टेनिटी हो सकती है और डायमेंशन की अनसर्टेनिटी हो सकती है। इन्हीं अनसर्टेनिटीज को काउंटर करने के लिए, इन्हीं अनसर्टेनिटीज को काउंटर करने के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी और अल्टीमेट लोड मेथड में लोड फैक्टर इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन इन दोनों का कोई भी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं था, इन दोनों का कोई भी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं था। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए क्या किया गया, लैब में एक्सपेरिमेंट किए गए, रिलायबिलिटी बेस्ड एनालिसिस का मतलब है जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल कंडीशन है उस कंडीशन में लैब में प्रैक्टिकल किए गए, और रिलायबिलिटी बेस्ड एनालिसिस के बाद सेफ्टी फैक्टर्स दिए गए, रिलायबिलिटी बेस्ड एनालिसिस करने के बाद सेफ्टी फैक्टर्स दिए गए, और ये सेफ्टी फैक्टर दोनों के लिए दिए गए, लोडिंग के लिए भी दिया गया और मटेरियल के लिए भी दिए गए, लोडिंग के लिए भी दिए गए और मटेरियल के लिए भी दिए गए, और इन सेफ्टी फैक्टर्स को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहा गया, इनको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहा गया, ठीक है। तो जो डिजाइन इन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसको बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड एक्चुअल में क्या है इसके बारे में अब डिटेल से बात करेंगे, यहां हम पहला चैप्टर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेक्चर शुरू होगा जिसको हम लिमिट स्टेट मेथड से ही शुरू करेंगे, उसमें समझेंगे कि एक्चुअल में लिमिट स्टेट मेथड है क्या, किस तरह से लिमिट स्टेट मेथड क्या करता है, और उसमें भी लिमिट स्टेट क्या है, जो वर्ड लिखा मैंने लिमिट स्टेट, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं लिमिट स्टेट के बारे में कि लिमिट स्टेट क्या है, जो लिमिट स्टेट है लिमिट स्टेट क्या है। तो लिमिट स्टेट एक बाउंड्री डिसाइड करता है, लिमिट स्टेट एक बाउंड्री डिसाइड करता है कि आप मटेरियल की स्ट्रेस को बढ़ा के यहां तक ला सकते हो, आप कॉन्क्रीट की स्ट्रेस को बढ़ा के इतने वैल्यू तक ला सकते हो और स्टील की स्ट्रेस को बढ़ा के इतने वैल्यू तक ला सकते हो, कि इस वैल्यू के बाद स्टील फेल हो जाएगा या इस वैल्यू के बाद कॉन्क्रीट फेल हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, मटेरियल का पूरा यूटिलाइज करते हैं,
वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ऐसा नहीं था। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हो सकता है मटेरियल 30 एमपीए का स्ट्रेस लेता हो, लेकिन आपने मना कर रखा है कि उस पर स्ट्रेस 10 ही लगाना है, तो बाकी जो बीच का मार्जिन बचा वो तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। यहां पे तुमको ये पता चल जाता है कि स्टील में इतना स्ट्रेस लगा सकते हो, यहां पे आने के बाद स्टील फेल हो जाएगा या कॉन्क्रीट फेल हो जाएगा। तो ये एक लिमिट डिसाइड कर देता है जहां तक स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि ज्यादा यूटिलाइजेशन मटेरियल का किसमें होता है, तो लिमिट स्टेट में होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लिमिट दोनों मटेरियल का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर यहीं से शुरू करेंगे लिमिट स्टेट से ही, कि लिमिट स्टेट क्या है, किस तरह से काम करता है और लिमिट स्टेट मेथड से अलग अलग किस तरीके की डिजाइन की जा सकती है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।